इंस्टेंट नोटिफिकेशन फॉर ऑल न्यू वीडियोस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम ब्रेकफास्ट हमने जल्दी फिनिश कर लिया है और हम अपना लंच हमने सब पैक कर लिया है और हम बालू का घेरा में भी स्टे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो दो मिनट बाद आपका वेदर है वो चेंज होता है। और यहाँ से हमने अपना बैग पैक वगैरह कर लिया है और हम जल्दी निकल गए हैं बालू का घेरा से, ताकि हमारे आगे का रास्ता हो वो हम जल्दी से कवर कर सकें और हमारी जो सुबह की जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही वेस्ट ना हो। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए उस जो मॉर्निंग की एनर्जी है उसको लगाएंगे हम। तो आज का जो ट्रैक है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो हम बालू का घेरा से हमटा पास तक जाएंगे और उसके बाद हम जो सेकेंड पार्ट है वो हमटा पास से शाहगुरु तक जाएंगे। तो इस ट्रैकिंग को हम शानदार धौलाधार रेंज से करते हुए जाएंगे और हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है शाहगुरु। तो शाहगुरु जो कि बालू का घेरा से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और शाहगुरु पीर पंचाल और स्पीति जो रेंज है उसके जो ह्यूज माउंटेन्स है वहाँ बीच में जो वैली है वहाँ पे स्थित है। तो हमटा ट्रैक की शुरुआत हम नदी के किनारे किनारे, उसमें काफी टाइम लगता है। तो हमें फर्स्ट प्लेटू तक पहुंचने के लिए जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई है 2 घंटे लगेंगे, जो कि देव तिब्बत शिखर है। और फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्लेटू पे जाने के लिए रिज टू रिज हमें पूरा ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस ट्रैक में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ब्रेक लेते रहेंगे और हम हमटा से इंद्रासन पीक और उसके जो विशाल ग्लेशियर है उसको देख सकते हैं। तो आज कोई भी नदी हमारे इस ट्रैक का हिस्सा नहीं बनने वाली है, क्योंकि आज हम हमटा ट्रैक के लिए रिज टू रिज चढ़ाई करेंगे, जो कि थोड़ा पैरेलल है, उतना स्टीप नहीं है। पर प्लेटू तक पहुँचने के लिए, फर्स्ट प्लेटू तक पहुँचने के लिए हमें स्टीप जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम ग्लेशियर्स वगैरह जो है उसको पार करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए जो ट्रैक है प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी स्टीप चढ़ाई है प्लेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो बालू का घेरा ऑल्टीट्यूड है वो है 12,300 फीट और जो हमटा पास का ऑल्टीट्यूड है वो है 14,100 फीट। आज हम लगभग 1,800 फीट का ऑल्टीट्यूड कवर करेंगे। फर्स्ट हाफ हम 3-4 घंटे में कवर करने की सोचेंगे। पहले 3-4 घंटे का जो ट्रैक है वो काफ़ी शानदार है, जो कि हमें हमटा पास तक ले जाएगा, जो कि एक शानदार विजुअल दिखाएगा। तो उसके बाद हम हमटा में एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों, अभी हमें हमटा पास में यहाँ कुछ जो लोग आ रखे हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेके, और ये भेड़ बकरियों का काउंट आप बिलीव नहीं करेंगे, 1,000 से ऊपर बकरियाँ हैं यहाँ पे। साथ में उन्होंने 2-3 कुत्ते रखे हुए अपने, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमटा एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है जो कि कुल्लू और स्पीति को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और फिर हमटा पास के बाद एक बिल्कुल खड़ी ढलान है जो कि हमें ले जाएगी शाहगुरु तक। शाहगुरु ऑल्टीट्यूड है वो है 12,900 फीट का। तो आप जैसे ही हमटा को क्रॉस करेंगे उसके बाद आप शाहगुरु को उस हाइट से देख सकते हैं, जो कि पीर पंजाल और स्पीति जो रेंज है, जहाँ की शाहगुरु का जो एरिया है वो उस टॉप पॉइंट है, वहाँ से आप उस रेंज को पूरी देख सकते हैं। तो उस पीक से हम स्पीति को पूरा देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए नीचे जाने के लिए, क्योंकि उस हाइट से हमटा पास की जो हाइट है उससे बेस तक पहुँचने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे। तो शाहगुरु पूरा एकदम प्लेन एरिया में है, आपके उसके दोनों तरफ हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं और बीच में जो शाहगुरु की जो वैली है उसमें जाएंगे। उसके बाद हम काफी थोड़ा दूर तक जाएंगे और एंड में हम अपना टेंट पिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल रेंज जो कि नदी के किनारे में है और एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। उस वैली में आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे। कल सुबह निकलेंगे यहाँ से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।